नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम लोग आर पी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो निर्देश है प्रश्न संख्या एक से तीन तक नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे कैसे करेंगे तो देखिए इस पहला क्वेश्चन है आपका जूम कर लेते हैं यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क तो क्या करते हैं सभी के अल्फ़ाबेट सबसे पहले को कोड लिख लेते हैं और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है दो जगह क्वेश्चन मार्क लगा है तो ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है एक सी का होता है तीन और एफ का कितना होता है छः और जे का होता है दस एक चीज़ देखिए एक से तीन बना कितना जुड़ा दो जुड़ा तीन से छः बना कितना जुड़ा तीन जुड़ा और छः से दस बना कितना जुड़ा चार मतलब सीरियल बाइस से चल रहे हैं पहले दो जुड़ा फिर एक बढ़ोत्तरी हुई तीन जुड़ा फिर एक की बढ़ोत्तरी हुई फिर चार जुड़ा अब कितना जुड़ेगा पाँच तो दस में पाँच जोड़ेंगे पंद्रह और फिर अब कितना जोड़ेंगे आगे पाँच में पंद्रह में अब कितना जोड़ेंगे छः तो पंद्रह में छः जोड़ा तो आपका इक्कीस आ जाएगा तो दो संख्या हमें प्राप्त हो गई पंद्रह और इक्कीस पंद्रह किसका होता है ओका और इक्कीस होता है यू का तो ओ यू आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन है इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन है आपका क्यू बाई के आगे क्वेश्चन मार्क आगे आई एस जी ई पी ई कैसे करेंगे तो देखिए गाइस सबसे पहले पीछे के जो दिए गए हैं इनको देखते हैं तरीका आई से ई बनाते हैं आई से ई बनाते हैं आई का कोड होता है नौ ई का होता है पाँच नौ से पाँच बना क्या हुआ चार घटा अब एस से बनाते हैं पी एस का कोड कितना होता है उन्नीस पी का होता है सोलह तो उन्नीस से सोलह बन रहा है आपका तब आपका क्या हो रहा है तीन घट रहा है अब जी से हम लोग क्या बनाते हैं ई जी का कोड होता है सात ई का होता है पाँच तो देखिए सात से पाँच बना क्या हुआ दो घटा मतलब चार घटा फिर तीन घटा फिर दो घट रहा है यही तरीका हम लोग क्यू बाई के लिए लगाएंगे क्यू बाई के के लिए लगाएंगे क्यू का कोड होता है सत्रह बाई का होता है पच्चीस और के का होता है ग्यारह आप सत्रह में सबसे पहले चार घटाएंगे क्योंकि पीछे चार घटाया था सत्रह में चार घटाया तो आपका आ गया तेरह अब पच्चीस में आप कितना घटाएंगे तीन क्योंकि पीछे तीन घटाया था पच्चीस में तीन घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा बाईस अब ग्यारह में कितना घटाएँगे दो ग्यारह में दो घटाया तो नौ आ गया तो संख्या में कौन कौन से मिल गए तेरह बाईस और नौ तेरह किसका होता है एम का होता है बाईस किसका होता है वी का होता है नौ no, किसका होता है आई का होता है तो एम बी आई आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दस कमा बाईस कमा छियालीस कमा चौरानवे आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा तो देखिए दस से बाईस बनाया तो दस में दो का मल्टीप्लाई किया दस धूनी बीस और दो को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बाईस अब बाईस से छियालीस बनाना है तो बाईस में दो का मल्टीप्लाई बाईस धूनी चवालीस और चवालीस में दो जोड़ देंगे तो छियालीस आ जाएगा अब छियालीस से चौरानवे बनाना है तो छियालीस में दो का मल्टीप्लाई तो बानवे और दो को इसमें जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया चौरानवे यही तरीका चौरानवे के लिए लगाएंगे चौरानवे में दो का मल्टीप्लाई करेंगे दो चाकू आठ दो नीम अठारह एक सौ अट्ठासी मिल गया अब दो को इसमें जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा एक सौ नब्बे तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर अगला क्वेश्चन नीचे दिए कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है सॉरी जहाँ जहाँ जगह छोटी वहाँ पर भरना है अल्फ़ाबेट देखिए स्टार्टिंग में एम है और लास्ट में एम है एम के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा ए तो यहाँ पर आपका भर जाएगा ए अब देखिए स्टार्टिंग में एम ए है एम ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा एन तो लास्ट में एन भर जाएगा तो ये दो भर गए अब देखिए अब यहाँ पर भी क्या भरेंगे ए भरेंगे क्योंकि एम के बाद अगला अल्फ़ाबेट हमें मिल रहा है ए अब एम ए एन तो मिल गया अब एम एन देखिए स्टार्टिंग में एम ए एन है और एन के बाद क्या है एम तो यहाँ पर एम भर देंगे ओके फिर देखिए एम एन एम एन के बाद फिर क्या भरेंगे एम फिर भर देंगे फिर एम एम एन यहाँ पर फिर एन भर देंगे ओके तो आपके कौन से हो जाएंगे एम एम एन एन ये आपके मिल जाएंगे तो ये किस में आ रहे हैं ऑप्शन बी में आ रहे हैं तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या पाँच से सात के लिए आगे कहते हैं मैं नीचे चार विकल्प दिए गए हैं दिए गए शब्द अथवा अक्षर अच्छा, अथवा संख्या विकल्पों में से उचित का चयन कीजिए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाँचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है ओके तो छठवें क्वेश्चन में आपका कौन सा भिन्न होगा मतलब आपको विषम बताना है इसमें ऊपर भी विषम बताना था विषम क्या होता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें तीन जो होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं और जो एक बसता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है जैसे कि पहला ऑप्शन है बत्तीस बयालीस बत्तीस बयालीस क्या है दोनों आपकी समसंख्या हैं ऑप्शन बी बासठ चवालीस ये भी दोनों क्या हैं आपकी सम समसंख्याँ हैं ऑप्शन सी छियालीस और अट्ठाईस ये दोनों भी क्या हैं आपकी सम समसंख्या हैं लेकिन ऑप्शन डी में देखिए तैंतीस और छप्पन आ रहा है तो ये आपकी सम समसंख्याएँ नहीं है सम संख्या नहीं है तो एक विषम मिल गया तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर अब आपका सातवां क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है तो एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं ऑप्शन ए में आई का कोड होता है नौ आई का कोड कितना होता है नौ होता है जे का होता है दस एन का होता है चौदह आर का होता है अट्ठारह तो देखिए नौ से दस बना एक जोड़ा दस से चौदह बना चार जोड़ा और चौदह से अठारह बना चार जोड़ा अब ऑप्शन बी चेक करते हैं छब्बीस का कोड होता है जेड का होता है छब्बीस सी का होता है तीन एप का होता है छः आई का होता है नौ तो देखिए छब्बीस से तीन बना तो आपका तीन जुड़ रहा है तीन से छः बनना है तीन जुड़ रहा है और छः से नौ बनना है तीन जुड़ रहा है ऑप्शन सी चेक करते हैं क्यू का कोड होता है सत्रह टी का होता है बीस डब्ल्यू का होता है तेईस जेड का होता है छब्बीस तो सत्रह से बीस बना तीन जोड़ा बीस से तेईस बना तीन जोड़ा और तेईस से छब्बीस बना तीन जोड़ा ऑप्शन डी चेक करते हैं जी का कोड होता है सात जे का होता है दस एम का होता है तेरह पी का होता है सोलह सात से दस बना तीन जोड़ा दस से तेरह बना तीन जोड़ा तेरह से सोलह बना तीन जोड़ा ऑप्शन बी में देखिए सभी में तीन तीन जोड़ा ऑप्शन सी में सभी में तीन तीन जोड़ा ऑप्शन डी में सभी में तीन तीन जोड़ा लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं हो रहा है इसमें एक चार चार जुड़ रहा है तो विषम कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर अगला निर्देश है प्रश्न संख्या आठ से नौ के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर अथवा संख्या आकृति को चुनना है तो आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए तो एक कार्तीय तल बना लेते हैं डायरेक्शन वाला बना लेते हैं तो इसमें देखिए पश्चिम उत्तर पूर्व तो पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है पश्चिम और उत्तर पूर्व कहाँ होती है उत्तर पूर्व होती है उत्तर उत्तर पूर्व ये ऊपर वाली उत्तर होती है और उत्तर पूर्व ये होती है उत्तर पूर्व तो ये कितना डिग्री घूम गया नाइन्टी डिग्री है फोर्टी फाइव डिग्री है मतलब टोटल वन थर्टी फाइव डिग्री घूम गया ओके इसी प्रकार दक्षिण को भी दक्षिण आपकी दिशा नीचे है तो वन फोर्टी फाइव डिग्री वन थर्टी फाइव डिग्री घुमा देंगे इसमें भी क्योंकि ऊपर भी घुमाया था और कहाँ घुमाया था घड़ी की दिशा में तो ये नाइन्टी डिग्री घूमेंगे कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं नाइन्टी डिग्री पहुँचेंगे तो ये पश्चिम दिशा में पहुँच जाएगा और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा ये फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगी तो ये वन थर्टी फाइव डिग्री हो जाएगी तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी उत्तर पश्चिम तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम नौवां क्वेश्चन है यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कैसे करेंगे तो कर लेते हैं गाइस तो सबसे पहले पी क्यू आर एस ये सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट चल रहे हैं ई e का कोड होता है सोलह क्यू का होता है सत्रह आर का होता है अठारह एस का होता है उन्नीस मतलब एक एक की बढ़ोतरी हो जाती जा रही है पी क्यू आर एस ये हो गया अब है टी यू वी डब्ल्यू टी का कोड होता है बीस यू का होता है इक्कीस वी का होता है बाईस और डब्लू का होता है तेईस इसमें भी क्या हो रहा है एक एक की बढ़ोतरी हो रही है अब देखिए आई जे के एल आई का कोड होता है नौ जे का होता है दस के का होता है ग्यारह एल का होता है बारह इसमें भी आपकी एक, एक एक की बढ़ोतरी हो रही होती जा रही है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके अल्फ़ाबेट में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है तो वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए बाकी के तीन में नहीं हो रहा है एक एक की बढ़ोतरी देखिए एम का कोड होता है तेरह एन का होता है चौदह ओ का होता है पंद्रह पी का होता है सोलह तो इन तीनों चारों में भी एक एक की बढ़ोतरी हो रही है तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर अगला है यदि पोर्टर शब्द को एम बी एन जेड क्यू एन के रूप में कोडित किया जाता है तो रिपोर्ट को कैसे कोडित किया जाएगा तो पोर्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पी ओ आर टी ई आर तो पी को लिखा जा रहा है एम ओ को क्या लिखा जा रहा है वी आर को क्या लिखा जा रहा है एन टी को क्या लिखा जा रहा है जेड ई को क्या लिखा जा रहा है क्यू और आर को लिखा जा रहा है एन तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे रिपोर्ट के लिए तो रिपोर्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं आर ई पी ओ आर टी ओके कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आर को देखिए ऊपर क्या लिख रहे हैं एन लिख रहे हैं तो एन लिख दिया एन को ऊपर क्या लिख रहे हैं सॉरी तो ई को ऊपर क्या लिख रहे हैं ई को लिख रहे हैं क्यू तो रिपोर्ट के ई e अल्फाबेट में ई e के लिए क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा अब पी की बारी है पी को ऊपर क्या लिख रहे हैं एम तो एम लिख दिया ओ को ऊपर क्या लिख रहे हैं वी तो ओ के नीचे वी लिख दिया अब है आर की बारी आर को क्या लिख रहे हैं एन तो एन लिख दिया अब टी की बारी टी को लिख रहे हैं जेड तो जेड हो जाएगा तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं तो ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर अगला यदि प्लस का अर्थ है घटाना तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब क्या है घटाना और माइनस का अर्थ है गुणा माइनस का मतलब क्या है गुणा भाग का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है भाग गुणा का अर्थ क्या है भाग तो एक इक्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना इक्वेशन लिख लेते हैं पंद्रह माइनस थ्री प्लस टेन इंटू फाइव डिवाइड बाई फाइव तो देखिए पंद्रह माइनस माइनस का मतलब ऊपर क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस प्लस का मतलब क्या है माइनस तो माइनस दस फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाग तो भाग कर दिया फिर पाँच डिवाइड बाई पाँच तो डिवाइड का मतलब है प्लस तो प्लस कर दिया बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो दस में पाँच का डिवाइड करेंगे तो दो तो पंद्रह गुणे तीन माइनस दो प्लस पाँच ये हो जाएगा तो पंदातियाँ पैंतालीस माइनस दो प्लस पाँच पैंतालीस पाँच कितना होता है पचास पचास में से दो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अड़तालीस तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर अगला दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है शब्द है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और चार ऑप्शन आपके दिए गए इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा ओके तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं पहला ऑप्शन है स्टेशन। स्टेशन के अल्फाबेट एडमिनिस्ट्रेशन में मिल रहे हैं तो देखिए एस टी ए, एस बी है टी बी है ए फिर टी आई ओ एन फिर टी आई ओ एन तो ऑप्शन ए तो बन सकता है अगला है ट्रेडिशन तो टी आर ए टी आर ए डी आई डी कहाँ है डी ए है और आई है फिर टी आई ओ एन टी आई ओ एन तो ऑप्शन बी भी बन सकता है अब देखिए ऑप्शन सी है मिनिस्टर मिनिस्टर में एक अल्फ़ाबेट आ रहा है ई ई अल्फ़ाबेट का यूज हो रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से किस स्थान से चलता है दक्षिण की ओर दो मील चलता है मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है दक्षिण दिशा नीचे होती है कितना चलता है दो मील चलता है आगे कहता है मुड़ जाता है और एक से ही एक बटा दो मील चलता है तो यहाँ से आपका दाया किधर हो जाएगा इधर की तरफ कितना चलता है एक सही एक बटा दो मील ओके आगे कहता है बाएं मुड़ जाता है फिर एक बटा दो मील चलता है तो यहाँ से आपका बाया क्या हो जाएगा नीचे की तरफ कितना चलता है एक बटा दो मील चलता है और फिर पीछे मुड़ जाता है अब बताइए भाई किस दिशा की ओर जा रहा है आप देखिए गाइस लास्ट दिशा आपकी नीचे की तरफ है दक्षिण की तरफ अब वो अगर पीछे मुड़ेगा तो पीछे कहाँ जाएगा दिशा ऊपर की तरफ जाएगी ऊपर दिशा कौन सी होती है उत्तर ओके तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर गाइस अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आगे कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है अशोक मदुरई का टिकट बुक कराना चाहता है वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर से घर के पूर्व में है घर के पूर्व में है मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ मान लेते हैं इसको घर की पूर्व दिशा इधर हो जाएगी तो घर के पूर्व में है क्या है ऑफिस पहुँचने में पाँच किलोमीटर का रास्ता तय करता तो यहाँ तक जाने में ऑफिस तक जाने में कितना समय कितना किलोमीटर तय करता है पाँच किलोमीटर की रास्ता तय करता है ओके आगे कहता है वहाँ से भाई तीन किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है उत्तर दिशा ऊपर होती है तो कितना जाता है तीन किलोमीटर जाता है ओके वहाँ से वह फिर अपने मित्र संदीप के घर की ओर पाँच किलोमीटर दूर बाएँ मुड़ जाता है तो यहाँ से आपका बाया देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ऊपर आ गए तो आपका बाया किधर होगा दूसरी तरफ होगा अपने आप को खड़ा करके देख सकते हैं और पाँच किलोमीटर जाता है तो पाँच किलोमीटर ये बाया हो जाएगा ओके अब वह अपने घर लौटना है उसे अपने घर तक पहुँचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा तो आपको ये वाली दूरी बतानी है घर आपका ओ पॉइंट पर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी इधर देखिए आपके तीन है तो ये भी आपके तीन किलोमीटर हो जाएगी ओके तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर तीन किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही गाय सिंपल सा है थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन कहता है एक्स की आयु बाई की आयु की दो बटा तीन है तो एक्स की आयु एक्स इज कल टू दो बटा तीन बाई हो जाएगा इन दैट केस तो यहाँ से इज कल टू क्या आ जाएगा तो इज कल टू आपका आ जाएगा तीन वटा दो एक्स आ जाएगा आगे कहता है छः वर्ष के बाद एक्स की आयु छियालीस वर्ष हो जाएगी मतलब छः वर्ष बाद एक्स की जो आयु है वो कितनी हो गई फोर्टी सिक्स तो यहाँ से एक्स की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी छः घटा देंगे तो आपकी आ जाएगी चालीस तो बाय की वर्तमान आयु बतानी तो बाय ऊपर आपका कितना है बाईस कल टू तीन बटा दो एक्स तो एक्स की वैल्यू को रख देंगे तो बाईस कल टू तीन बटा दो एक्स की वैल्यू है चालीस तो यहाँ से दो से काटेंगे तो बीस बार कटेगा बीस में तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साठ वर्ष ओके तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क पहली आकृति देखिए पहली आकृति आपकी इधर है फिर दूसरी आकृति आपकी इधर होगी मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज आपकी आकृति चल रही है और जो आकृति है ऊपर से देखिए अंदर की ओर ये इसके कोने मुड़े हुए हैं और दूसरी आकृति में ये बाहर कोने हो गए तो यही हम लोग तरीका लगाएंगे तीसरी आकृति में चौथी आकृति बनाने में पहली आकृति ये है तो एंटी क्लॉक वाइस हमें घुमा घुमाना है ओके तो एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले तो एंटी क्लॉक बनाएंगे तो ऊपर ये डंडा आ जाएगा ऊपर वाला और जो अंदर की ओर कोने मोड़े हुए हैं बीच बीच में वो साइड में आ जाएंगे ओके मतलब बाहर की ओर निकल जाएंगे ऐसे ऐसा हो जाएगा बीच वाला आपका ऐसे ही रहेगा और दूसरी तरफ वाला ऐसा हो जाएगा तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है ऑप्शन ए में बन रहा है तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे गाइज तीन सर्कल दिए गए हैं तीनों सर्कल अलग अलग हैं जैसे कि पहला इधर वाला सर्कल है भारतीय का दूसरा सर्कल इधर वाला है नायक का तीसरा सर्कल है गायक का और तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं और क्वेश्चन है आपका बीसवा कौन सा संकेत सिर्फ़ गायक को दर्शाता है परंतु ना तो भारतीय को और ना ही नायक को तो वो अल्फ़ाबेट आ रहा है इस्लॉल जी जो कि केवल नायक में आ रहा है और जो इस्माल जी है वो ऊपर वाले दोनों सर्कल में नहीं आ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी इज़ राइट आंसर देखा अगला क्वेश्चन है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है आपकी प्रश्न आकृति है तो इसके लिए राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी तो सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये वाला डंडा देख लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मिल गया फिर ये इधर नीचे की तरफ गया प्रश्न आकृति का तो ये भी देखिए गाइस नीचे की तरफ गया फिर देखिए ये घुमाया हुआ ये भी देखिए यहाँ पर घुमा देंगे ऐसे ओके तो ये पूरी देखिए आकृति यहाँ पर मिल गई तो ऑप्शन भी इज राइट आंसर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है भय आर एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है पहले भाई फिर पति फिर पुरुष ओके सबसे बड़ा वाला सर्कल होगा पुरुष का ओके क्या होगा पुरुष पुरुष में ही आपका भाई आ जाएगा भाई और भाई क्या कुछ हिस्सा आपका पति में चला जाएगा क्योंकि भाई जो है वो पति भी हो सकता है थोड़ा हिस्सा चला जाएगा तो ऐसा आपका बैंडाइग्राम बनेगा तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं है। अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा तो पहला फिगर और दूसरे फिगर को हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो पहले फिगर में काम है अच्छे दूसरे फिगर में कामन है अच्छे तो पहले फिगर के लिए देख लेते हैं और चलेंगे हम लोग क्लॉक तो छः के बाद अगला नंबर आ रहा है चार फिर चार के बाद अगला नंबर आ रहा है दो फिर अब देखिए यहाँ पर छः काम है दूसरे फिगर में तो अब क्लॉक चलेंगे तो छः के बाद अगला नंबर है एक का फिर है तीन का तो हमसे पूछा गया एक का विपरीत फलक क्या होगा तो एक का विपरीत फलक क्या हो गया ऊपर चार तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क तो हम लोग एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे पहली पंक्ति में देखिए बड़ा नंबर है एक सौ छप्पन तीसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है एक सौ पचानवे इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे वही तरीका हम लोग दूसरी पंक्ति में लगा देंगे तो पहली पंक्ति में लाना है एक सौ छप्पन तो हम लोग क्या करेंगे एक सौ छप्पन के पीछे कौन कौन से नंबर हैं बारह और तेरह तो बारह में गुणा तेरह करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक सौ छप्पन मिल जाएगा ओके अब नीचे देखिए एक सौ पचानवे है तो पंद्रह गुणा तेरह कर देंगे तो पंद्रह गुणा तेरह करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक सौ पचानवे सेम प्रोसेस हम लोग यही करेंगे दूसरी पंक्ति में चौदह गुणा क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा एक सौ चौवन तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं तो चौदह से काटेंगे हम लोग एक सौ चौवन तो चौदह एकम चौदह और चौदह एकम चौदह तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ग्यारह है तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर गाय सबका अगला क्वेश्चन है यदि थ्री एट द रेट थ्री स्टार थ्री इजकल टू थ्री तथा अड़तालीस ऐट दी रेट फोर इस्टार थ्री इजकल टू थर्टी सिक्स और तो हमें बताना है नाइन्टी वन ऐट द रेट थर्टीन इस्टार टू बराबर क्या होगा तो जो तरीका पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे पहले समीकरण में हमें लाना है तीन तो हम लोग ऐट दी रेट की जगह क्या कर देंगे बटा तो तीन बटा और तीन और स्टार की जगह तीन मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीन से तीन कटेगा तो हमें क्या मिल जाएगा तीन अब दूसरे समीकरण के लिए देख देख लेते ले, ले हैं अड़तालीस बटा ये चार हो जाएगा और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद थ्री तो चार देखिए चार एकम चार चार दूनिया आठ बारह में तीन का मल्टीप्लाई छत्तीस सेम प्रोसेस तीसरे समीकरण के लिए लगाएंगे तो इक्यानवे बटे तेरह इंटू टू तो तेरह सत्तर इक्यानवे सात में दो का मल्टीप्लाई तो ऑप्शन डी चौदह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टप बॉर्न को इससे लिखा जाए तो इस कोड भाषा में शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा सबसे पहले हम लोग स्टप बॉर्न के सर अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं एस टी यू वी ओके फिर आगे है बॉर्न वी ओ आर एन इसको क्या लिखा जा रहा है वी यू टी ए फिर एस A, पी ये लिखा जा रहा है ओके अब देखिए तो हम लोग जो तरीका ऊपर लगेगा बाई तरीका सिपिंग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे तो देखिए स्टार्टिंग के तीन अल्फाबेट उठा लेते हैं ओके तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यू से देखिए वी बनाएंगे यू का कोड कितना होता है इक्कीस होता है वी का होता है बाईस तो लिख सकते हैं आप इक्कीस ये होता है बाईस तो यहाँ पर कितनी प्रोसेस वृद्धि हो रही है एक की वृद्धि हो रही है कितनी हुई वृद्धि एक की अब देखिए एस से बनाते हैं टी एस का कोड कितना होता है उन्नीस होता है और टी का होता है बीस तो यहाँ पर भी कितना हुआ एक की वृद्धि हुई अब टी से यू बना रहे हैं टी का कोड कितना होता है बीस होता है यू का होता है इक्कीस तो यहाँ पर भी एक की वृद्धि हुई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद एक एक की वृद्धि अब देखिए बी से ए बना रहे हैं वी का कोड होता है दो ए का होता है एक तो यहाँ पर भी एक की वृद्धि हो रही है अब देखिए लास्ट के तीन अल्फ़ाबेट उठाएंगे तो सबसे पहले एक जो आगे का वी है इसमें भी देखिए बी से ए बनाते हैं वी का कोड होता है दो ए का होता है एक तो इसमें भी देखिए एक की वृद्धि हो रही है और लास्ट के तीन अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई एन से ओ बनाया तो एन का कोड होता है चौदह ओ का होता है पंद्रह तो यहाँ पर भी देखिए एक की वृद्धि अब ओ से पी बनाया ओ का होता है पंद्रह और पी का होता है सोलह तो एक की वृद्धि आर से एस बनाएंगे आर का होता है अठारह एस का होता है उन्नीस तो एक की वृद्धि सेम प्रोसेस सिपिंग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे यही स्टार्टिंग के तीन अल्फ़ाबेट और लास्ट के तीन अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाले सेम रहने देंगे ओके okay, और सभी में एक एक की वृद्धि करते जाएंगे अल्फ़ाबेट कोड में तो कर लेते हैं गाइस तो सिपिंग के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं एस एच आई स्टार्टिंग के तीन अल्फ़ाबेट हो गए और फिर डबल पी डबल पी फिर लास्ट के तीन अल्फाबेट आई एन जी पहले हम लोग बीच वाले उठा लेते हैं पी का कोड होता है सोलह सोलह में एक की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सत्रह फिर देखिए पी का होता है सोलह सोलह में एक की वृद्धि करेंगे सत्रह आ जाएगा अब स्टार्टिंग के तीन अल्फाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई आई का कोड देखिए नौ होता है नौ में एक की वृद्धि करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दस अब एस से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एस का कोड होता है उन्नीस एक की वृद्धि करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा बीस अब एच का देखिए कोड कितना होता है आठ होता है आठ में एक की वृद्धि करेंगे तो नौ आ जाएगा ओके अब लास्ट के तीन अल्फाबेट उठा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जी का होता है सात सात में एक की वृद्धि करेंगे आठ अब आई से आई का कोड होता है नौ नौ में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा दस अब एन का कोड होता है चौदह चौदह में एक जोड़ेंगे पंद्रह अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं दस किसका होता है जे का नौ किसका होता है आई का बीस किसका होता है टी का सत्रह होता है क्यू का फिर सत्रह होता है क्यू का आठ किसका होता है एच का पंद्रह होता है ओ का और दस होता है जे का ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा ओके okay. तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं ये तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या बनेगा गाइस सबसे पहले तो ऑप्शन डी बनेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सोलह से सत्रह बना रहे हैं हम चूँकि इस्टप बॉर्म में यहाँ पर बी से ए बन रहा था तो मैंने एक की वृद्धि कर दी थी घटाना था हमें यहाँ पर बी से ए बनाना था तो यहाँ पर एक घटाना था तो हम लोग यहाँ पर एक घटाएंगे तो यहाँ पर पंद्रह आप लिख लीजिएगा तो यहाँ पर ओ कर लीजिएगा ओ ओ तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उसके लिए सॉरी तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अगला है दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से बहस शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है शब्द आपका है कंसोलीडेट तो चार ऑप्शन है इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा पहला है ऑप्शन चेक करते हैं कंसोल कंसोल के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं कि नहीं देखिए सी ओ एन सी ओ एन फिर एस ओ एल ई एस ओ एल ई तो पहला तो बन सकता है अब है आपका ऑन सेट ऑप्शन बी ओ एन एस ओ भी है एन भी है एस भी है ई टी भी टी है तो ऑप्शन बी भी, भी बन सकता है अब है साल्टी साल्टी में बाई अल्फ़ाबेट का यूज हो रहा है जो कि ऊपर नहीं है ओके तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए तो यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क ओके तो देखिए जिस प्रकार नदी में पानी का क्या रहता है बहाव रहता है उसी प्रकार उसी प्रकार क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन है तालाब का पानी स्थिर रहता है ऑप्शन है इस राइट आंसर अगला यदि राम का घर अर्पित के घर से दक्षिण में स्थित है अगर अर्पित का घर यहाँ पर है तो दक्षिण दिशा नीचे होती है तो नीचे राम का घर आ जाएगा ओके आगे कहता है और मनीष का घर अर्पित के घर के पूर्व में स्थित है पूर्व दिशा इधर होती है तो मनीष का घर इधर आ जाएगा अब आगे पूछता है तो राम का घर मनीष के घर से किस दिशा में तो ये दिशा बतानी है तो नीचे दक्षिण दिशा है तो यहाँ पर क्या करते हैं नीचे ऐसे बना लेते हैं तो दक्षिण और दक्षिण दिशा है दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाती है दक्षिण पूरब ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा तो देखिए कहाँ पर लगा है चिन्ह दूसरे फिगर में यहाँ पर तो जो तरीका पहले फिगर में लगेगा वही तरीका हम लोग दूसरे फिगर में लगाएंगे पहले देखिए यहाँ पर पहले फिगर में यहाँ बारह है कैसे आया, आया बारह चार में तीन का मल्टीप्लाई किया तभी बारह आया अब देखिए यहाँ पर पंद्रह है तीन में पंद्रह का मल्टीप्लाई किया तो पंद्रह आ गया यहाँ तीस है छः में पाँच का मल्टीप्लाई किया तो तीस आ गया अब यहाँ देखिए चार में छः का मल्टीप्लाई किया तो चौबीस आ गया सेम तरीका यहाँ हम लोग दूसरे फिगर में लगाएंगे तो ऊपर है इक्कीस तीन में सात का मल्टीप्लाई किया तो इक्कीस नीचे देखिए बारह चार में तीन का मल्टीप्लाई बारह यहाँ आठ है तो चार में दो का मल्टीप्लाई तो आपका आठ आया तो यहाँ पर भी सात में दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा चौदह तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर अगला है बेमेल पद का चयन करें तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं पहला है ओरिजिनल ओरिजिनल में पहला अल्फाबेट है ओ जो कि क्या है बोवेल हो जाएगा ऑप्शन सी में ए स्टार्टिंग का ए अल्फ़ाबेट है जो कि क्या है बोवेल है और यूनिवर्सिटी में यू अल्फाबेट पहला है तो यू क्या है बॉबल लेकिन मेमोराइज़ में, में, में एम अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि आपका बॉबल नहीं है बॉबल नहीं है तो आपका बेमल कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी अगला शब्द को में दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा तो इन शब्दों को सबसे पहले अंग्रेजी बड़माला में जो अल्फ़ाबेट का स्थान जिस स्थान पर होता है उसी के आधार पर शब्दों को सेट करना है सबसे पहले आपका नंबर आएगा डिस कवर डेस् आपका आ जाएगा पहले नंबर पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर पूछा जा रहा है दूसरे नंबर पर आ जाएगा डिसॉर्ट डी ई एस डिस्टोर्ट ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर अगला यदि ई बराबर है पाँच ई का एक्चुअल में कोड होता है पाँच जो कि दिया हुआ है और टी का कोड है छब्बीस तो टी के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं टी तो टी का होता है बीस ई का होता है पाँच ए का होता है एक तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है छब्बीस सेम प्रोसेस टीचर के अल्फाबेट कोड में लगाएंगे डी का कोड होता है बीस ई e का होता है पाँच ए का होता है एक सी का होता है तीन एच का होता है आठ ई e का होता है पाँच आर का होता है अट्ठारह अब देखिए अठारह पाँच तेईस तेईस पाँच इकतीस इकतीस तीन चौंतीस चौंतीस एक पैंतीस पैंतीस पाँच चालीस चालीस बीस साठ तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन है दीघ अक्षर श्रृंखला का अगला पद याद कीजिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क तो इनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं डी का कोड होता है चार एच का होता है आठ एल का होता है बारह पी का होता है सोलह टी का होता है बीस एक्स का होता है चौबीस चार से आठ बना चार जोड़ा आठ से बारह बना चार जोड़ा बारह से सोलह बना चार जोड़ा सोलह से बीस बना चार जोड़ा और बीस से चौबीस बना चार जोड़ा सभी में चार चार जोड़ा रहा तो आगे भी चार जोड़ देंगे तो चौबीस में चार जोड़ेंगे छब्बीस तक तो जाएगा आखिरी में दो आ जाएगा दो किसका होता है बी का तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर अगला नीचे दी गई अंक श्रृंखला का अगला पद की याद कीजिए देखिए चार से आठ बनाया तब आपका चार जोड़ रहा है आठ से चौदह बनाया छः जोड़ा चौदह से बाईस बनाया तब आपका आठ जोड़ा अब देखिए चार और छः के बीच डिफरेंस कितने का दो का छः और आठ के बीच दो का फिर आठ नीचे सभी में पीछे सभी में दो दो का डिफरेंस है तो आगे भी दो का डिफरेंस होगा दो को हम लोग आठ में जोड़ेंगे दस आ जाएगा इस दस को बाईस में जोड़ेंगे तो बत्तीस आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी इस राइट आंसर तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू धन्यवाद आपका दिन शुभ रहेगा